हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज का जो वीडियो रहेगा भाई हमारा, बात करेंगे हम यहाँ पे सक्षम प्रैक्टिसर 776 को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ से देखिएगा और जो चीज़ें आपको नहीं आती उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट कि कभी अगर आपके एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये था कि भाई फुल डुप्लेक्स जो होता है वो क्या होता है। फुल डुप्लेक्स तो जिसको आता है वेलेंडल है, जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता दूँ कि हमारे पास सिंप्लेक्स कुछ मोड होते हैं कम्युनिकेशन के। किसकी? संचार प्रणाली। संचार बोले तो कम्युनिकेशन के हमारे पास कुछ मोड होते हैं जिनमें हमारे पास एक नाम आता है सिंप्लेक्स का। पहला नाम सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स मोड आप इसे कह सकते हैं, सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा हमारे पास होता है एक हाफ डुप्लेक्स, ठीक। एक ये फुल है, आपके पास एक हाफ है, और एक आपके पास जो जैसे कि क्वेश्चन में बोला ही गया है फुल डुप्लेक्स। अब इनमें अंतर क्या होता है ये थोड़ा समझ रहे हैं। सिंपल में होता क्या है, जो कम्युनिकेशन होता है वो वन डायरेक्शन होता है, या मैं इसको बोल सकता हूँ यूनिडायरेक्शनल। इसमें आपके पास कम्युनिकेशन होता है कैसा? यूनिडायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स में आपके पास जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है आपके पास बाईडायरेक्शनल। बाईडायरेक्शनल बोले तो बोथ साइड। और फुल डुप्लेक्स के केस में आपके पास जो कम्युनिकेशन होता है ये होता है बाईडायरेक्शनल। बाईडायरेक्शनल मतलब दोनों एंड से होता है। यहाँ पे इधर ही इधर जाएगी आवाज़, इस यहाँ पे आवाज़ इधर भी आएगी और इधर भी आएगी, और इधर में यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। तो इनमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट कैसे करें? इसका जो एग्ज़ाम्पल है वन वे का, इसमें आपके पास रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, या आपके पास मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारा आपके पास सिंप्लेक्स मोड के अंदर आ जाते हैं। हाफ डुप्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास वॉकी टॉकी। ये वॉकी टॉकी में आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, बाई डायरेक्शन ये भी है और फुल डुप्लेक्स भी आपके पास बोथ डायरेक्शन है, यानी इस एंड से भी आवाज़ आती है, इस एंड से भी आवाज़ आती है। वॉकी टॉकी के केस में क्या होता है कि आप अगर यहाँ से कुछ बोल रहे हैं तो ये वाला जो एंड वाला व्यक्ति है ये थोड़ी देर सुनेगा, मतलब ये उसी समय एक साथ बात नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। मतलब बाई डायरेक्शनल होगा, पहले ये पूरी अपनी बात रखेगा उसके बाद ये अपनी बात रखेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ये बाई डायरेक्शनल, लेकिन यहाँ पर क्या होता है एक इंसान को एक ही बार बोलना पड़ता है। लेकिन बाई डायरेक्शनल केस में होता है आपके पास जैसे मोबाइल फ़ोन, या हम बात करते हैं टेलीफोन के बारे में, तो ये टेलीफोन वगैरह जो भी होते हैं ना, यहाँ पे आपके पास बोथ डायरेक्शन में और एक रियल टाइम में आप बात कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है वो भी बोल सकता है, ये भी बोल सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई रुकना पड़े और इसको इसकी पूरी बात पहले सुननी पड़े, ठीक। तो इसको बोला जाता है फुल डुप्लेक्स, और इसका जो एग्जांपल है वो है आपके पास टेलीफोन बातचीत। उम्मीद करता हूँ कि ये जो बात है आपको मेरी समझ में आई होगी, एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैट का पूर्ण रूप क्या है? कैट को बोला जाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म हो जाती है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का मतलब होता है कि यार एक ये जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बेसिकली आपके पास माना ड्राइंग बनाई जाती है, जैसे सिविल हो गया, जैसे मैकेनिकल हो गया, तो ये कुछ ड्राइंग्स होती हैं। इन ड्राइंग्स के थ्रू आप क्या करते हैं, चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। जैसे सिविल में हो गया यार बिल्डिंग को कैसे डिज़ाइन करना है, मैकेनिकल में हो गया यार कार का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो डिज़ाइनिंग होती है ये सब कुछ आपका कैट के अंदर आ जाता है, और इसके अलावा और भी जो डिज़ाइनिंग होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये है, काफ़ी लंबे समय से जो है फुल फॉर्म नहीं पूछी जा रही है, लेकिन हाँ यार ऐसा है कि आपको एग्ज़ाम के लिए जो है हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके पास आते हैं वो ज़रूर पढ़ के चले जाएँ। लूसेंट वगैरह आपके पास है तो वो पढ़ लें, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। भारत की नई राष्ट्रीय जो आपकी नीति है इसका घोषणा की गई थी, ये 1984 है, गांधी जी वाला जो पीरियड है, राजीव गांधी वाला पीरियड है, इसमें कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। यहाँ से आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर का धीरे धीरे विकास होना यहाँ से शुरू हुआ था, तो बस आपको यहाँ पे ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है। 89 बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में चेंज करना है आपके पास, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कैसे आप लोग जो हैं इनको चेंज कर सकते हैं। कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसके लिए सिंपल तरीका एक ही है। इसमें देखिए इस यहाँ पर आप लिखोगे 1, यहाँ पर लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे आप 2 का डबल 4, यहाँ पे लिखोगे 8, यहाँ पे लिखोगे 16, और यहाँ पे लिखोगे 32। अब ध्यान दीजिएगा 1 के नीचे 32 है, 0 के नीचे 16 है, 1 के नीचे 8 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 1 है। जहाँ पे आपको 1 दिख रहा है वो सभी को ऐड करना है, जैसे 32 को ऐड करेंगे, 8 को ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, तो 32 प्लस 4, यहाँ पे पहले 8 ऐड कर लेते हैं, ये वाला 8 यानी 40, फिर 44, और एक ही आपके पास 45, यानी 45 यहाँ पे जो है इसका आंसर आ जाता है। एक ही समझने वाली ये है, जैसे लेट से मेरे पास 101 हो जाए तो सिंपल तरीका वही होगा, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 का डबल क्या हो जाएगा आपके पास 4, यानी आपको कौन सा ऐड करना है, एक 4 वाला ऐड करना है, एक 1 वाला ऐड करना है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5, ठीक। तो इस टाइप से मतलब आपको ये चीज़ों को ऐड करके दशमलव में आप ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर लेट से अगर यहाँ पे एक नंबर और हो जाता कुछ ऐसे, तो फिर क्या करना होता, 32 का डबल करते आप 64, और फिर इसको भी यहाँ पे 64 को भी इसमें ऐड करना पड़ता। तो इस टाइप से आप जो है इनमें चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वायरस का पूरा नाम क्या था? ये ऐसा कुछ आपके पास वायरस होता है, ठीक। अब इसको बताने की फुल फॉर्म क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। इंस्ट्रक्शन नहीं होती है,
इन्फॉर्मेशन को अंडर सीज कर देना, सीज करना मतलब रोक देना, तो बेसिकली यही तो वायरस का काम होता है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं कि ये वायरसेस क्या होते हैं, ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो आपके कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं या फिर किसी तरीके से आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। इससे क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर की जो है फोल्डर्स की कॉपी बना लेता है, इमेजेस की कॉपी बना लेगा, यानी आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वर्क करना बंद कर देता है, तो यही वायरस होता है। और इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसके लिए एंटीवायरस यूज़ करते हैं। एंटीवायरस वायरस को रिमूव करने वाला, ख़त्म करने वाला ही आपके पास क्या हो जाता है, एंटीवायरस हो जाता है। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, इससे भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बेसिक काम नहीं है। अब बेसिक काम के बारे में बात कर रहे हैं कि भैया बेसिक काम यहाँ पे कौन सा नहीं है। देखिए, एक जो कंप्यूटर है वो डेटा को स्टोर करता है, ऑब्वियसली बात है। देखिए होता क्या है ना कि हमारे पास देखो डेटा स्टोर करेगा, इनपुट भी ग्रहण करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग करने का काम ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं होगी तो फिर बात कैसे बनेगी आगे। ये टेक्स्ट को कॉपी करना है, ये कोई बेसिक काम में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसमें ये बेसिक काम नहीं है। बाकी देखिए ना, जैसे आप सिंपल से बात है, कंट्रोल यूनिट पढ़ते हैं, कंट्रोल यूनिट के ऊपर आपके पास होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और नीचे आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आपके पास मेमोरी हो जाता है, यहाँ पे ये इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आउटपुट। तो प्रोसेस करना मतलब, अगर आपने 1+2 किया है तो 1+2 को 3 देने का काम किसका है, ALU का है। तो बेसिकली यही है आपका कंप्यूटर, ये बेसिक काम है, ये करना ही करना है। अगर ये नहीं होगा तो बात तो छोड़ो, टेक्स्ट को कॉपी कोई जरूरी थोड़ी ना, टेक्स्ट कॉपी मत करो, टेक्स्ट को कॉपी। लेकिन भैया आपको डेटा को स्टोर भी करना है, इनपुट भी देना है और उसको प्रोसेस भी करवाना है, इसलिए ये कंप्यूटर में बेसिक काम में आ जाते हैं। 87 में निम्न में से कौन सा एक बाइनरी संख्या नहीं, ये बहुत आसान है। बाइनरी का मतलब ही आपके पास क्या होता है, 0 और 1, जो कंप्यूटर समझता है, जो कंप्यूटर की भाषा होती है। तो यहाँ पे 201 जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं होगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी 0011 0110, ये सारा बाइनरी नंबर है। IIT मद्रास द्वारा विकसित भारत के पहला माइक्रो प्रोसेसर, देखिए माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। माइक्रो प्रोसेसर से ही कंप्यूटर कितना फास्ट है, कितना स्लो है, वो डिसाइड होता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये सबसे पहले आपके पास जो आता है शक्ति, इसका नाम क्या था, यहाँ पे शक्ति बेसिकली यहाँ पे इसका नाम था। और यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि माइक्रो प्रोसेसर से ही डिपेंड करता है किसी कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी होती है। आपने नाम सुना होगा ना कंप्यूटर की, कोई यार कोई आपका 20,000 में मिल जाएगा, कोई आपको 30 में मिलेगा, कोई 50 में मिल रहा है, कोई लाखों के भी कंप्यूटर आपके पास होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइक्रो प्रोसेसर ही मतलब डिफरेंट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल i4 i5 i6 AMD के प्रोसेसर होते हैं, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली ये होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम था, ये चेन्नई के कुछ छात्रों ने डेवलप किया था और ये नाम जो था इसका शक्ति था। इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने माइक्रो प्रोसेसर बता दिया। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये सिंपल आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर का हाथ। जितने मैक्सिमम हाथ होंगे तो उतना आपके जो है कंप्यूटर बहुत अच्छा सा काम करना शुरू करता है। MS पावर पॉइंट में जहाँ लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है स्लाइड। अगर आप इस समय आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये एक स्लाइड ही है। और यहाँ पे मैं लिख पा रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, तो इसको स्लाइड बोला जाता है। बाकी जो सेल होता है ये बहुत पूछा जाता है। सेल आपके पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पे जैसे ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेट से कोई सीट है, तो इसका जो एक सिंपल एक डिब्बा ये जो होता है बॉक्स, इसको हम सेल नाम देते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मोजिला फायरफॉक्स किसके अंतर्गत आता है। जो मोजिला फायरफॉक्स होता है ये आपके पास एक ब्राउज़र है। कैसा ब्राउज़र? ये एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र का मतलब जो भैया हमारे लिए जो होता है इंटरनेट को चलाने में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात, कंपाइलर का काम क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। या लो लेवल लैंग्वेज बोले तो ये मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। मशीनी लैंग्वेज बोले तो आपके पास 0 और 1 की भाषा जो कंप्यूटर समझ पाता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो मनुष्य लिख सकता है, जिसमें यह थोड़ा लिखना आसान होता है। और साथ साथ में यहाँ पे कुछ, चलिए अब इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, अभी आप फिलहाल यही समझ लीजिए। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ये सभी का काम क्या होता है, इसको हाई लेवल को लो लेवल में या फिर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे आप तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हार्डवेयर और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर होता है इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करवाने का जो काम करता है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस बेसिकली जो प्रोवाइड करवाता है वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। प्रश्न चिन्ह, यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह में आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको अल्फाबेट पता होनी चाहिए। जैसे ए के बाद सी आता है, यानी मैं कह सकता हूँ +2। सी के बाद आप ध्यान देखें ई आया, यानी +2। सेम एज यहाँ पे देखिएगा एम के बाद +2, आप इसे कर सकते हैं क्योंकि एम के बाद एन आता है, फिर ओ आता है, फिर ओ के बाद +2। सेम एज हम यहाँ पे भी कुछ ऐसे कर सकते हैं +2, और आई के बाद जो यहाँ पे आएगा हम उसे करेंगे +2, यानी यहाँ पे तो के आने आने वाला है। अब हम नंबर के बारे में बात करेंगे, नंबर कैसे आता है। अब आपको चीज़ ध्यान देनी है, नंबर या तो आप इस डायरेक्शन में निकालो या फिर आप इस डायरेक्शन में निकालो, यानी सम या तो कुछ ऐसे बनाओ या फिर कुछ ऐसे बनाओ, ठीक है। अब सम ऐसे बनाने का मतलब देखिए
फोर प्लस टू जब आप करते हैं तो आपको मिलेगा सिक्स, और यहाँ पे फाइव प्लस नाइन आप करते हैं तो आपको मिलेगा फोर्टीन। इसका मतलब फाइव प्लस आपको थ्री करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा एट, तो यानी के एट इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब 92 जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और इन क्वेश्चनों को करने की जो अप्रोच होनी चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसी मेथड से करें, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे जो महाथिर है वो नज़मा के पति हैं, तो यहाँ पे महाथिर लिख दो। ये मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे महा हो गया। महा को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ डिब्बे में, क्योंकि ये एक मेल है तो इससे मुझे थोड़ा पता चलता है। फिर एक नज़मा है, यहाँ पे हम इनके बीच में ऐसा साइन लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि यार इसकी क्या है, वाइफ है। तो ये आपके पास नज़मा हो जाएगी, ये नज़मा आपके पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा, तो नज़मा का ये पति है। फिर यहाँ पे इसने क्या बोला, नज़मा के बेटे कामरान, नज़मा का एक बेटा है कामरान, तो यानी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप कामरान। मैं इसको सिंपल काम से लिख रहा हूँ कामरान। कामरान की पत्नी रेशमा, इसकी एक पत्नी बना लो, कुछ ऐसे साइन आएगा कुछ इस टाइप से, सो दैट की समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये रेशमा का अशरफ नामक एक बेटा है, रेशमा का अशरफ ये कुछ नामक, अच्छा इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, रेशमा का अशरफ नामक एक बेटा है, तो ये अशरफ ऐसे आ जाएगा नीचे क्योंकि ये इसका बेटा है, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। अशरफ की इकलौती बहन है उषा, यानी यहाँ पे ये बहन के लिए इक्वल का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे सो दैट की पता चले ये फीमेल है। अब आपको बताना है महाथिर का उसे से क्या संबंध है। सिंपल सी बात है, जो महाथिर है, महाथिर का बेटा है कामराज, कामराज का बेटा है अशरफ, और अशरफ की बहन है उषा, यानी कामराज की बेटी उषा है, ठीक। और यहाँ पे जो महाथिर है वो कामराज के पिता हैं, इसका मतलब यहाँ पे उषा का महाथिर के साथ दादा का रिलेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पास करने वालों मनीष ऊपर से 16वां है और नीचे से 29वां है। ध्यान रखिएगा, किसी भी एक व्यक्ति का अगर हमें टॉप और बॉटम पता हो तो हम टोटल निकाल सकते हैं। यानी टोटल कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे टोटल इक्वल टू हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। टॉप से कितने हैं, यहाँ पे टॉप से उसका जो स्थान है वो है 16वां, तो 16 आप इसे ऐसे कर लीजिए। बॉटम से उसका स्थान है 29वां, तो आप यहाँ पे 29 कर लीजिए और यहाँ पे माइनस वन कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, 9 प्लस 6 आपके पास 15 हो जाएगा, यानी आपके पास 35 माइनस वन आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे शायद कुछ गलत हुआ है, 35 नहीं होगा ना यहाँ पे, ये तो 45 होगा, ये 45 होगा, तो 45 माइनस वन आपको मिलेगा यहाँ पे 44। यानी 44 तो वो बच्चे हैं जो परीक्षा में पास हुए हैं, ठीक। इसके अलावा 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, देखिए 6 लोगों ने भाग नहीं लिया। थर्ड वन यहाँ पे 5 इसमें असफल भी हुए, इसका मतलब 6 और 5 11, हमें भैया 11 ये भी तो ऐड करने पड़ेंगे, और इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 55 आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा कि टोटल बच्चे तो इतने होंगे क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने से निम्न समीकरण का उचित हल आपको मिल सकता है। तो इसमें सिंपल सा तरीका ये है यार कि इसमें ना साइन को चेंज करना होता है, ठीक। तो जैसे अपन यहाँ पे डी को चेंज करने वाले, यानी प्लस की जगह डिवाइड रखेंगे, प्लस की जगह डिवाइड रख लो, और यहाँ पे जो आपके पास दूसरा जो ये प्लस है ना, इस डिवाइड की जगह प्लस करना है। अब ये कुछ ऐसा बन गया, 50 डिवाइड 3, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, बस सिंपल। अब हमेशा डी मास रूल सभी को पता होगा, डी मास का बोले तो कि भैया सबसे पहले डिवाइड करना है बोला, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, यानी सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी 3 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 5 हो जाएगा, 3 5 या 15, फिर यहाँ पे 9 ऐसे लिखेंगे, फिर आपके पास माइनस 4 ऐसे आ जाएगा, और प्लस 16 ऐसे आने वाला है। अब यहाँ पे 9 5 से कितना होता है आपके पास 45, ठीक है, 45 में से 4 आप माइनस करेंगे तो 41 आएगा, और 41 में 16 ऐड करेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे 57। यानी ये जो 57 आ रहा है वो 57 के इक्वल आ रहा है, इट मींस इसका जो सॉल्व करके आ रहा है ना, ये डी वाले इनको चेंज करने पर, प्लस और डिवाइड को आपस में चेंज करने पे 57 आ रहा है, इसलिए आपके पास डी जो है इसका उचित हल हो जाएगा। निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला में यहाँ पे बताना, यहाँ पे क्या आएगा, बहुत आसान था ये तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं ये एक सर्कल है, इस वाले जो फिगर है इसमें सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया, यानी जो अंदर वाला फिगर है वो बाहर आ गया, और बाहर वाला फिगर है वो अंदर आ गया। इसमें भी कुछ ऐसे ही होने वाला है कि इसमें जो आपका स्क्वायर है वो अंदर चला जाएगा, और जो आपके पास ये हेक्सागोनल है 1 2 3 4 ये 5 साइड है इसमें, ओके, तो पेंटागन जो है ये बाहर आ जाएगा, और आपके लिए आंसर जो बनेगा वो ए वाला बनेगा। ध्यान रखिएगा, ओके, बात की तो इसमें कुछ और है भी नहीं, जैसे ये फिगर है आपको ऐसे ही बनाने की कोशिश करनी है, ऐसा मत कर देना कहीं कि आपने कुछ इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पीछे की फिगर कैसे दे रखी है। सूर्योदय के समय गौरी अजय के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। देखिए अब एक काम हम ऐसे करेंगे ऐसे कुछ, और यहाँ से जो होगा सूर्योदय होगा, आप सभी लोग जानते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से सूर्योदय होगा, और इसने क्या कहा, सूर्योदय में
गौरी और अजय एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े, देखिए दो ही केस हो सकते हैं, या गौरी, या गौरी यहाँ हो सकती खड़ी, ठीक है, या गौरी का मुंह आगे की तरफ होगा ऐसा, और यहाँ से या तो फिर ये अजय कुछ ऐसा हो सकता है ऐसा, या ये ऊपर की तरफ देख रहा होगा या ये नीचे की तरफ देख रहा होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या बातचीत के समय जो अजय की परछाई है वो गौरी के दाएं ओर पड़ रही है, तो अगर मान लो ये गौरी है और ये अजय है तो जो इसकी परछाई है वो गौरी के दाएं ओर पड़ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में पड़ रही है, मतलब गौरी का दाया कौन सा हो जाएगा, गौरी का राइट हैंड ये वाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए ना, गौरी अगर नीचे की तरफ देख रही है तो उसका राइट हैंड ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अजय की दिशा किस तरफ होगी, तो ये अजय होगा, अजय की दिशा होगी आपकी उत्तर की डायरेक्शन में, यानी ऊपर की तरफ। अभी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब सन आ रहा है ना, ऐसे ये सन आ रहा है ना, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, इसकी परछाई इस डायरेक्शन में बनेगी, क्योंकि ब्लॉक कर देगा ना यहाँ पे, समझ में आ रही बात, ये ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने में परछाई बनेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसने बोला ना कि जो इसकी परछाई बन रही गौरी के दाएं हाथ बन रही, तो दाएं तभी बनेगा जब आपका जो मुंह होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी उत्तर की तरफ होगा, तो इसलिए ए इसका आंसर आ जाता है। चलिए अब 97 की तरफ बढ़ते हैं, और 97 में 6 सहकर्मी एक वृत्त में बैठे हैं, तो 6 सहकर्मी बिठा दो एक वृत्त में, एक ये बना लो, कुछ किसी भी टाइप से आप इसे बना सकते हो, कुछ ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। चेहरे वृत्त के मध्य में है, मध्य की ओर है, मतलब इसको ऐसे कर लो ताकि हमें पता रहे कि यार ये मध्य की तरफ है, ये भी बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, डायना पुष्कर और पद्मा के बीच में। अब देखिए, क्योंकि अभी आपके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर बनाने को, तो कुछ भी बना सकते हो, जैसे कहीं भी रख दो, माना मैंने यहाँ पर डायना को रख दिया, जो डायना है वो किसके बीच में है, वो पुष्कर और पद्मा के बीच में, तो आप पुष्कर और पद्मा को कहीं भी बना दो, माना लट से पद्मा को आप यहाँ बना दो ऐसे, और इसको यहाँ पे पुष्कर को आप ये कुछ ऐसे बना दो, ठीक। प्रियंका महेश और लकी के बीच में, देखिए प्रियंका महेश लकी का इनसे कोई भी कनेक्शन नहीं है, थोड़ी देर छोड़ दो, जब कनेक्शन नहीं बनता है तो छोड़ देना चाहिए, कहाँ रखोगे उसे यहाँ, या तो फिर आप हिट एंड ट्राई टाइप में लगा सकते हो, तो फिर ऐसे में गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए पहला पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उन्हें सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जो पुष्कर है, यहाँ पर क्या बोला है, जो पुष्कर है वो महेश एक दूसरे के सामने, यानी पुष्कर के सामने कौन है, महेश, तो कुछ आपको ये चीज़ मिल चुकी है। अब अगेन ऊपर आ जाओ क्वेश्चन में, प्रियंका महेश और लकी के बीच में, यानी प्रियंका यहाँ पे होगी कहीं बैठी हुई, क्योंकि जो प्रियंका है महेश और लकी के बीच में, यानी लकी यहाँ पे होगा। अब आपको बताना है यहाँ पे कि महेश की पड़ोसी कौन है, तो जो महेश है इसका पड़ोसी कौन है, प्रियंका, और आपके पास पद्मा, तो इसलिए यहाँ पे प्रियंका और पद्मा इसका आंसर हो जाता है। 98 की तरफ चलेंगे, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, यानी ये सिंपल ऐसा कुछ होगा यार, लेट से मैंने कहा अगर आज 23 है और आज की जो तारीख है वो आपके पास, अगर आज रविवार है तो हमें बताना है कि एक सप्ताह चार दिन, एक सप्ताह चार दिन का मतलब 11 दिन हो गए, 7 दिन प्लस 4 दिन यानी 11 दिन, मतलब मुझे ये बताना है कि 11 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 11 दिन पहले आपको कुछ ये बताना है, 11 दिन पहले। अब 11 दिन पहले का मतलब ये हो गया सिंपल, वही आपको ऑड नंबर्स निकालने, ऑड डेज़ 11/7, और आपको 4 ऑड डेज़ मिले, यानी आपको रविवार में 4 पीछे जाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, बुधवार आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 11 दिन पहले जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, बुधवार यहाँ पे आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। 99, ये क्वेश्चन शायद गड़बड़ हो गया था तो इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा, लेकिन लॉजिक आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या था, पी के बाद आप डायरेक्टली एस को जाएंगे, तो मतलब आपको यहाँ पे पी क्यू आर एस यानी +3 ऐड करना पड़ रहा था। ए के बाद सी में जाएंगे तो आपको +2 करना पड़ेगा, सी आ जाएगा। आई के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा +3 करना पड़ेगा, जे के और एल, तो सेम ऐसे ही चलेगा, यानी +3 +2 +3 +2। इट मीन्स यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता, ये +3 करना पड़ता, इसमें +2 करना पड़ता, फिर +3 करना पड़ता, और ऐसे ही ये बढ़ता रहता, ठीक है। जैसे सी के बाद डी ई और एफ, यहाँ पे एफ आता, ए के बाद बी सी, तो यहाँ पे सी आता, जे के एल एम एन ओ एफ सी ओ, कुछ ऐसे बेसिकली ये बन रहा होता, आगे भी आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिक बाकी यहाँ पे ये, इसके लिए कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। 100 भिन्न आकृति वाला, ये थोड़ा आज का थोड़ा सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसका लॉजिक क्या है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए, या तो इनको ऐसे घुमाओ, कैसे, क्लॉकवाइज, इसको देखो पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज समझ रहे हो, जैसे इसको पकड़ लो, इसका मुंह पहले इस डायरेक्शन में खुला है, इस डायरेक्शन में, फिर नीचे की तरफ खुला है, मतलब ऐसे बन रहा है, फिर ये इस डायरेक्शन में आ गया ऐसे, तो मतलब ये ऐसे बन गया, और फिर ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो मतलब ऐसे बन गया, ऐसे बन रहा है। सेम इसको देखो, ये भी पहले ऊपर की तरफ है, फिर ये ऐसे बन रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर मुंह इसका खुल रहा है इस डायरेक्शन में, तो मतलब कुछ कुछ इस टाइप से आपको देखना होता है, लेकिन आप ध्यान देंगे ये वाला नहीं बनेगा ऐसे। देखो इसका मुंह पहले नीचे, फिर क्या करोगे, फिर इधर तो लेके जा नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा उल्टा हो जाएगा, तो आपके पास ए और सी इस वाले मेथड से नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब बस मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ कि आप ऐसा सोच सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें बेसिकली ये था कि देखो इस वाले डिब्बे को उठाओ इस वाले डिब्बे के साथ, मतलब
ये वाला जो डिब्बा है ना, इसको इसके साथ ऐसे मर्ज करना है, ऐसे इस टाइप से। ये वाला इसके साथ मर्ज हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, सेम एज ये वाला इसके साथ यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, और ये वाला इसके टॉप में आके मर्ज हो जाएगा कुछ ऐसे, मतलब ये मर्जिंग हो सकती है। ठीक, सेम एज यहाँ पे देखो, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये भी आपस में यहाँ पे मर्ज हो सकता है, इसको ऐसे उठा के लिया ला सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको इसके साथ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और इसको भी इसके साथ उठा के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान देंगे ना, ये ऐसा है। अब इसको किसके साथ लगाओगे कंप्लीट करने के लिए? देखो, ये इसका ऊपर की तरफ हो गया मुँह, इसका नीचे की तरफ हो गया मुँह। देखो, समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? ये जो ऐसा है, इसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कहीं है भी नहीं ऐसा। इसका मतलब ये सी सबसे भिन्न हो जाता है, क्योंकि ये बनेगा नहीं, बाकी सब में जो है ये कंप्लीट हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनसे आपको लॉजिक सीखना है कि लॉजिक क्या बन रहा है। अब देखिए, जैसे ये है, ये ऊपर की तरफ है ना, तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए था, कुछ इस टाइप से। तो माना, अगर आप इसको बना भी लो, अगर आप सोच रहे कि चलो मैं इसको इसके साथ लगा भी लूँ, तो ये ऊपर वाला कभी नहीं बनने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसके साथ के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो ये आकृति हो जाएगी आपके पास, वो यहाँ पे भिन्न आकृति हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज का ये जो सॉल्यूशन है, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ।